नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू डिफेंस। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, सो वीडियो को पूरा देखिए। यूके ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन पाइथन। ये ऑपरेशन पाइथन है क्या? ऑपरेशन पाइथन है अगर यूके के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल अटैक होता है तो उसके बाद कैसे उनका ऑफिशियल्स को, क्वीन को बचाया जा सकता है और अंडरग्राउंडली कैसे कंट्री को चलाया जाएगा, इसका कुछ प्रोसीजर्स है जो 1950s में डेवलप किया गया था। तो यूके को ये सब करने का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रशिया ने स्टार्ट कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल, यानी न्यूक्लियर अटैक करने से पहले का जो भी प्रोसीजर है। क्योंकि रशिया चाहता था ये वॉर को 4 दिन में ख़त्म करने के लिए, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसका सपोर्ट है पूरा नाटो के देश की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। रशिया का 10,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 1,000 से ज़्यादा टैंक ख़त्म हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। तो अभी रशिया के पास बहुत कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। इसके लिए उसने 2 दिन पहले ही हाइपरसोनिक अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, हाइपरसोनिक मिसाइल जो दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये साउंड के स्पीड से 8 गुना तेज में ट्रेवल करता है। वर्ल्ड में ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है कि उसको रोक सके। तो यूक्रेन के पास तो कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो उसके ऊपर ये मिसाइल क्यों अटैक किया वो? क्योंकि वो नेटो देश को दिखाना चाहता था कि अगर तुम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहोगे तो फिर हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आप उसको रोक नहीं सकते। देखिए, मैं इसमें वर्ल्ड वॉर 2 का कुछ थ्योरी बोलना चाहूँगा। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था? ये एक वर्ल्ड वॉर 1 का कॉन्सिक्वेंसेस था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के ऊपर जैसे प्रतिबंध लगाए गए और उसको जैसे नीचा दिखाया गया, इसका जो प्रतिशोध था लोगों के अंदर वो वर्ल्ड वॉर 2 में दिखा। उनको एक लीडर चाहिए था और उनको मिल गया हिटलर। तो एक कैपेबल नेशन को इतना भी मत दबाओ कि लास्ट में वो फट ही जाए, वो तो अटैक करेगा ही करेगा। तो रशिया तो बहुत कैपेबल है, वो दूसरे नंबर पे आता है। 6,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है रशिया के पास, अमेरिका से डबल। अगर उसको आप ऐसे दबाओगे तो फिर वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही लास्ट में। वो तो सोचेगा कि हम तो डूबे शनम, फिर तुमको भी ले डूबेंगे। सोचिए, अगर ये वॉर का नतीजा आगे कुछ दिनों में अगर नहीं हुआ तो फिर रशिया ने न्यूक्लियर अटैक करना ही करना है, और न्यूक्लियर अटैक हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का। सो आपको क्या लगता है, रशिया न्यूक्लियर अटैक करेगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं? प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।